अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मकसद की बात किए बगैर ही वीडियो पोस्टिंग बंद करके मैं बेफाम हो गया कि ये काम हो चुका है। लेकिन जब देखा तो पता चला कि स्टीम ने अपने आप को खुद ही किल कर लिया था कि बाकी बात नहीं हुई और वीडियो ख़त्म हो गई। सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से सिलसिला टूटा था। तो देखते हैं अभी वो जो ऑप्शन रह गए थे वहीं से दोबारा प्रोसेस को शुरू करते हैं। डिवाइसेस पे सिलसिला टूटा था तो चलें अभी VM को दोबारा से रन करना पड़ेगा। VM को चलाकर फोल्डर शेयर करते हैं। लोड शेडिंग ने बुरा हाल कर रखा था। ये 8वां टेक है इस वीडियो का, 7वां टेक है। ऊपर से गर्मी है। डिवाइसेस पे जाएंगे, शेयर फोल्डर्स पे आएंगे, ऑप्शन क्लिक करेंगे। यहाँ मशीन फोल्डर्स पे क्लिक और फिर ये आइकन प्लस का करेंगे प्रेस। यहाँ पे जाके अदर्स पे जाएंगे और फिर डाउनलोड्स का फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। ये पब्लिक फोल्डर है, इसके अलावा कोई भी फोल्डर क्रिएट करके हम कर सकते हैं शेयर। ये ऑटो अमाउंट, जब भी बूट हो तो ऑटो माउंटेड हो ये फोल्डर। अपना बना के फोल्डर आप शेयर कर सकते हैं खुद। तो अब जब हम ब्राउज़र पे आएंगे तो ये यहाँ से हम लिंक नहीं हो सकते। अदर लोकेशन पे जाके ना तो ये यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ये अब हमारी इस मशीन का पासवर्ड मिलेगा जिस पे हम काम कर रहे हैं, हमने देना है। दो दफ़ा मांगेगा या जितनी दफ़ा भी हम ये टाइप करेंगे तो हम आस्ट कंप्यूटर पे जो फोल्डर है उसको एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ से फाइल को कॉपी करके अपने मशीन के किसी फोल्डर में रख लेते हैं। पहले से भी फाइलें कॉपी की हुई थी ट्राइयां कर कर के, ये हमारे पास फाइल आ गई। तो कमांड लाइन पे जाके ज़रा कंफर्म करेंगे कि आया वो फाइल हमने जो कॉपी की थी ब्राउज़र में कहाँ है। इस वक्त हम बूट कैंप मशीन पर ही हैं, वर्चुअल मशीन पर। यह हमारे पास ब्रेक वाल की फाइल आ गई। तो ये फोल्डर शेयरिंग है जिसके ज़रिए हम फाइलें आस्ट कंप्यूटर पर और वर्चुअल मशीन पर शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे चल के मज़ीद बेहतर अंदाज में कोशिश करूँगा कि खिदमत कर सकूँ। वंस अगेन आई एम सॉरी कि आप लोगों को एक डिस्टर्बिंग ब्रेक देखनी पड़ी। तो जुड़े रहिए और वीडियोस को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।